इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कॉर्पोरेशन चुनाव की सरगर्मियां जारी है। शहर का माहौल कॉर्पोरेशन चुनाव से मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। हर जगह पर वोटरों को रिझाने का काम भी जारी है। कुछ लोग समझौता कर रहे हैं तो कुछ जगहों पर फूट डालो और हुकूमत करो की नहज पर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। नाराज उम्मीदवार दूसरे बागी उम्मीदवारों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर आज का दिन इन्हीं शिकवा शिकायत समझौता नाराजगी दोस्ती दुश्मनी के दौरान गुजरता देखा गया। कुछ लोगों ने अपनी उम्मीदवारी वापिस ली है तो कुछ लोगों को उम्मीदवारी वापिस लेने पर मजबूर किया गया। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल भी होता देखा जा रहा है। कॉर्पोरेशन चुनाव के मद्देनजर रिश्तेदारी में भी खटास देखी गई। कुछ वार्डों में दोस्त रिश्तेदार आमने सामने देखे जा रहे हैं। सियासी इख्तदार हासिल करने के लिए किस हद तक लोग गिरते हैं, इसका भी नमूना कॉर्पोरेशन चुनाव में देखा जा रहा है। लिहाजा कुछ जमातें, कुछ मजहबी रहनुमा भी सियासी पार्टियों से नाराज देखे जा रहे हैं। मुल्की सतह की पार्टियों के टिकट देने पर नाराज उम्मीदवारों ने दूसरी पार्टियों का रास्ता भी अख्तियार किया। वह आज कुछ आजाद उम्मीदवारों को चुनावी निशान दिए गए। हर चुनाव में कुछ ऐसे लोग, ऐसे गिरोह भी पाए जाते हैं जिनके लिए बड़े ही शादमानी खुशियों के दिन होते हैं। पैसे वाले उम्मीदवार का गमछा गले में लटकाए आने वाले 8 दिनों तक महफिलों में लुत्फानंदाज होते रहते। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक ये मखसूस तबके के लोग सिवाय बिस्लरी पानी और महंगी सिगरेट पान तक से सरोशार होते रहते। पहले ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कहां से बेहतर मेहमान नवाजी होती, लिहाजा उसी हिसाब से गले में उस पार्टी का गमछा पहनकर पेश रहते हैं। खैर, ऐसे लोगों की तादाद अब बढ़ती जा रही है और अक्सर ऐसे ही लोग होते हैं जो लोगों को घरों से निकालकर वोट करवाते हैं। ज्यादातर इस तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुलूस के साथ उम्मीदवार को जिताने की कोशिश में रहते हैं। कुछ लोग अपनी जेब का पैसा लगाकर अपने कैंडिडेट को कामयाब करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। इस बार थोड़ा इजाफा यह भी देखा जा रहा है कि उम्मीदवार को पार्टी से उम्मीदवारी हासिल होने की बिना पर कुछ पार्टी फंड की तमन्नाएं उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पार्टी से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाकर बैठे खाली जेब के लोगों ने अभी से कर्जा लेना शुरू किया है, ऐसी भी बात हासिल हो रही है। कुछ उम्मीदवार जो मिल गए उसी को मुकद्दर समझ लिया कि मिजदाक किसी और को अपनी हिमायत का ऐलान करने की बात कही जा रही है। खैर, एक तरह का मसरूफ तरीन माहौल शहर में देखा जा रहा है। पिछली मरतबा जिसने चुनाव जीता था अब फिर से चुनाव जीतूंगा की तरह पीछे लेने को तैयार नहीं, मतलब हर हाल में कॉर्पोरेटर बनने का ख्वाब देखने वालों में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। आज एक और अहम बात यह रही कि लिंगायत समाज ने तमाम सियासी पार्टियों को सबक सिखाने का फैसला किया है। आज बेलगाम शहर के लिंगायत भवन में इसी नाराजगी के मद्देनजर मीटिंग तलब फरमाई गई थी, जिसमें जानबूझकर सियासी पार्टियों ने लिंगायत समाज पर जुल्म करने की बात करते हुए सियासी पार्टियों को सबक सिखाने का इशारा भी दिया। खासकर भाजपा को निशाना बनाया गया और कहा कि मैं 6 उम्मीदवार लिंगायत समाज को दिए गए हैं जबकि कांग्रेस ने 10 दिए हैं। भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस तीनों पार्टियों को सबक सिखाने की बात करते हुए बसवराज रोटी ने कहा कि हमेशा लिंगायत माशरे के साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है। लिंगायतों के बड़े लीडरों को जानबूझकर जलील किया जाता है, खासकर यह रवैया भाजपा की जानिब से किया जाता है। अब लिंगायत माशरा खामोश नहीं बैठने वाला। क्या लिंगायतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या ऐसा सवाल भी इन्होंने किया। दिगर लीडरों में राजू टोपनावर, चेतन अंगड़ी, महांतेश वक्कुंड, सुजीत मुलगुन के साथ दिगर लिंगायत लीडरान भी मौजूद रहे। खैर, इस तमाम लिंगायत समाज की नाराजगी पर गौर करते हुए थोड़ा मुस्लिम समाज पर भी हम नजरसानी करेंगे कि मुस्लिम माशरे पर भी अफसोस करने को जी करता है। किसी समाज में थोड़ी सी ज्यादती पर भी आवाज उठाई जाती है, पर इतना बड़ा समाज ना इसे किसी जुल्म ज्यादती की परवाह है और न जिल्लत की। अब तो यह माशरा जुल्म ज्यादती का आदि हो चुका है। लिंगायत समाज की तरफ से कहा गया कि बेलगाम नॉर्थ में लिंगायत समाज की 80,000 की तादाद है, लिहाजा मुस्लिम माशरा भी उतना ही है। पर इस माशरे का सब्र देखिए, कभी किसी बात पर उफ तक नहीं करता और आवाज तो सवाल ही नहीं उठता। क्या इसे सब्र कहना होगा, क्या इस कौम की बेहसी। पर इतना जरूर है कि मुस्लिम माशरा ना सिर्फ बेलगाम में बल्कि मुल्क सतह पर भी अपना वकार, अपना रुतबा, इज्जत सब कुछ खो चुका है। लेकिन एहसास आज भी नहीं, हर कोई वक्ती मुफाद के लिए कोशिश कर रहा है। चुनाव के वक्त कौमी हमदर्द, कौम के जियाले, कौम के मुजाहिदीन अचानक बाहर आ जाते हैं और वैसे और जैसे ही चुनाव खत्म होता है कहां जाता है मालूम ही नहीं होता। अब तो किसी को कुछ कहना भी मुश्किल है, हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है। पार्टी लीडर, सामाजिक खिदमतगार, जमात के जिम्मेदारों से कुछ कहोगे तो आस्तीन चढ़ाकर घर के सामने जवाब मांगने आ जाएंगे। जब सवाल पूछने का वक्त आता है तो यह खामोश चुप्पी साधे बैठेंगे।
यानी आपसी इख्तलाप में इनका खून जोश मारता है, वही दूसरों के साथ इनका खून सर्द होने लगता है। इस्लाम नबी की चान में गुस्ताखी करने वालों पर दो अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं रहती। खैर, अब जब कॉरपोरेशन चुनाव है तो सभी को सही उम्मीदवार को कामयाब करना होगा। गलत कामों को या दबंगगिरी करने वालों को अगर कामयाब करोगे तो माशरे में उसी को बढ़ावा मिलेगा। एक बार फिर आपसे गुजारिश, बेहतर नेक तकवा परहेजगार और हक बोलने वालों को अपना कायद बनाओ, वरना तो ऐसे भी गुलामी में जिंदगी कटी रही है, आगे की नस्ल को भी गुलामी ही बनाएंगे और कर भी क्या सकते हैं। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।